हम लोग हमारा करना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पापा मुझे बनाएंगे और खुद अब वापस हमदा की करेंगे, या हमारा फ्यूचर की तो हमें देखना ना। आपको बस कुछ लोगों की वजह से आप तो सबको ये बोल रहे हो, सबको कर रहे हो, अब तो कुछ ही पकड़े गए ना, अब तो 800 में से कुछ ही तो गए हैं। और हमारा कानून भी तो यही कहता है कि 100 निर्दोष 100 दोषी छूट जाए, क्योंकि एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। 21 में हमने एग्जाम दिया, 22 में हमने फिजिकल दिया, 23 में इंटरव्यू दिया, लगभग 7 साल का प्रोसेस है। 7 साल में हमारी परिवार की आर्थिक स्थितियाँ भी, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा सब दाव पे लगी है। हम लोग हमारा करना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, अब मेरे पापा मुझे बनाएंगे और खुद अब वापस खानदान की करेंगे। मेरे भाई को नेशनल करना है, स्पोर्ट्स करना है, वो कुछ करेगा हमारे पापा हमें करवाएंगे, या हमारा फ्यूचर की तो हमें देखना है ना। आप तो बस कुछ लोगों की वजह से आप तो सबको ये बोल रहे हो, सबको कर रहे हो, अब तो कुछ ही पकड़े गए ना, अब तो 800 में से कुछ ही तो गए हैं। जो आप तो सबके मैंने भी जेल छा, और अगर हमारे पापा भी गलत है ना, जेल भेजो ना, फिर हमारे पापा भी गलत है ना, तो बहने भी भेजो, बहने भी भेजो, कुछ नहीं बोलेंगे। पर आप तो कुछ लोगों की वजह सबको दे रहे हो, और हमारा कानून भी तो यही कहता है की 100 दोषी छूट जाए, फिर भी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अब तो एक ही वजह से सबको दे रहे हो। हमारा निवेदन ये था कि उनमें से यदि कोई अयोग्य है या गलत तरीके से आया या किसी अनैतिक गतिविधि के माध्यम से है, तो जांच में हम पूर्णतः सहयोग, जिस लेवल पे जांच जितनी चल सकती है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, जिस लेवल पे जा सकती है हम जांच का सहयोग देंगे। लेकिन जो वास्तविक जो योग्य है, सर 18 में हम 250 लोग ऐसे हैं जो 2018 की वैकेंसी से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लास्ट इंटरव्यू तक गए थे, और वो 250 वापस आज सिलेक्ट हो गए हैं 2021 वाली वैकेंसी में। तो 18 से लेकर आज 24 हो गए सर। 21 में हमने एग्जाम दिया, 22 में हमने फिजिकल दिया, 23 में इंटरव्यू दिया, लगभग 7 साल का प्रोसेस है। 7 साल में हमारी परिवार की आर्थिक स्थितियां भी, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा सब दांव पे लगी है सर। यदि हम इस वैकेंसी से निकाल दिए जाते हैं, हम दर दर भटकने लायक कुछ नहीं।